अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबका रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ समोसा पट्टी, जो रमज़ान में हर घर की ज़रूरत है। चाट में भी चाहिए होते हैं, दहीबड़ों में भी चाहिए होते हैं, और जो है समोसे पट्टी वैसे भी रखी होती है। समोसे वगैरह बनाओ, रोल बनाओ तो घर में मौजूद होती है, आसानी होती है। तो यहाँ पर मैं समोसा पट्टी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने डेढ़ पाव मैदा लेके, मैं फ्रेश ही बना लेती हूँ दो तीन दिन के लिए, फिर दूसरी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेढ़ पाव मैदा लेके उसमें दो चम्मच ऑयल डाल, नमक हसबे ज़रूरत डालकर मैंने उसको नॉर्मल आटा घर का हम रोटी के लिए गूँ, तो उस तरीके से गूँ के मैं रख लीजिए। यहाँ पर मैंने थाल ले लिया, इसमें मेरे से ईजी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने थाल ले लिया, उसको मैं उठा करके रख दिया है साफ़ करके, और यहाँ पर तवा भी मैंने जो है रख दिया है चूल्हे पर। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं मैंने से छोटी छोटी सी रोटियाँ जो है वो बेल दी, और यहाँ पर अभी बराबर से ऑयल, अगर आप लोगों के पास ऑयल वाला ब्रश है तो उससे लगा, और भी आसानी से बनते हैं। फिलहाल मेरे पास मौजूद नहीं था, तो मैंने यहाँ पर रबड़ का जो चम्मच होता है प्लास्टिक वाला, ये नरम सा होता है, और जो है स्टील वाला नहीं, इस तरीके का जो प्लास्टिक का वो चम्मच ले। और यहाँ पर जो है फिर मैंने जो है मैदा छिड़क दिया, और उसके ऊपर जो है दूसरी छोटी रोटी रख के, फिर उसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया, फिर मैदा छिड़क दिया। इस तरीके से करते करते जो आखिरी वाली रोटी होगी उसके ऊपर जो है सिर्फ मैदा छिड़केंगे और ऑयल नहीं लगाएंगे, और बीच से जो है अच्छे तरीके से आराम आराम से जो है इन छोटी छोटी रोटियों को दबा कर आपस में मिला देंगे। लेकिन किनारों को हम नहीं दबाएंगे, किनारों को दबाएंगे तो अलग करने में काफ़ी परेशानी होगी। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके चार जो है छोटी छोटी सी रोटियाँ बना के उनको आपस में बेल दिया, बीच से हल्का हल्का से मैंने इनको दबाया है, ज़्यादा नहीं दबाया, हल्का हल्का सा दबा कर और मैंने जो है इनको आराम आराम से जो है बेल दिया। अच्छा, बेलते वक्त भी आप लोग जो है ख्याल करें कि ज़्यादा जो है ज़ोर ज़ोर से मत बेलें, कि हल्का हाथ रख कर और जो है रोटी गोल घूम, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से जो है ये आराम आराम से गोल घूमती रहेगी और इसकी जो रोटी जो है बढ़ दी जाएगी। और जैसे ही हम देखेंगे जितना हमारे तवे की जो है गुंजाइश है उतनी हमारी रोटी तैयार हो गई है, तो हम आराम से जो है तवे पर डाल देंगे। अच्छा, कच्ची पक्की रोटी बनानी है, कोशिश करें ज़्यादा न पके, एक साइड जैसे ही थोड़ी सी पके तो पलट लें और दूसरी थोड़ी सी पका के और हम यहाँ पे इनको उतार देंगे, और आराम से मेरी समोसा पट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर मैंने जो है चार बनाई है, लोग तो छः छः सात सात आठ आठ भी बना लेते हैं ईजी आसानी से। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए तो मैंने इसलिए ज़्यादा जो है, क्योंकि उसके लिए जो है काफ़ी वो लगता है मेहनत, आराम से काम करना पड़ता है, क्योंकि मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल है और उसकी वजह से मेरी जो है ये थोड़ी सी समोसा पट्टी ख़राब भी हुई थी, और ये जो है मोबाइल भी हाथ में मैंने लिया हुआ, एक हाथ से मैं काम कर रही थी, इस वजह से मैंने नहीं। तो अगर आप लोग जो है कोशिश कर रहे हैं छः सात जितनी रोटियाँ चाहें बनाकर इस तरीके से बेल सकते हो, कितनी अच्छी हमारी सॉफ्ट सी समोसा पट्टी जो है वो तैयार हुई है। इस तरीके से आप भी घर में समोसा पट्टी तैयार कर सकते हैं बिल्कुल फ्रेश, और जो है बिल्कुल ताज़ी सी घर में बना सकते हैं। दो दिन के लिए बनाए फिर दूसरी बना लें, क्या फ़ायदा इतनी सारी बना के ढेर सारी जो है रख लें। यहाँ पर फिर मैंने छुरी से जो है इनको कट करके इस तरीके से आप लोग देखे से जो है छोटे समोसे बेसानी से तैयार हो जाएंगे, और समोसा पट्टी जो है हमारी मतलब के पुड़ियाँ भी तैयार हो जाएगी। समोसा पट्टी के अगर आप लोगों को या रोल बनाने हैं तो वो फिर आप लोग बीच से कट कीजिएगा, और साइड वाली जो रह जाएगा एक्स्ट्रा, तो उसको भी आप लोग जो है चाट वगैरह की पुड़ी जो बनाते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमारी जो है अच्छी सी समोसा पट्टी तैयार हो गई। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।